हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज स्कोप रिअरेंजमेंट रिएक्शन। इट इज ए पार्ट ऑफ पेरिसाइक्लिक, ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का ही पार्ट है। वैसे तो ये टाइप होती है कि सिग्माट्रोपिक रिअरेंजमेंट की, लेकिन ये किस यूनिट के अंदर आता है, ये जो पेरिसाइक्लिक यूनिट है उसके अंदर ही प्रेजेंट है। तो देखो, कोप रिअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसको हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली कि ये 3-3 सिग्माट्रोपिक रिअरेंजमेंट होती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। कोप रिअरेंजमेंट इज इंट्रा मोलिकुलर प्रोसेस प्रोड्यूसिंग थ्रू द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इन विच देयर अक्यर करती थर्मल आइसोमराइजेशन ऑफ 1,5-डाई इन लेडिंग टू ए रीआइसोमराइजम 1,5-डाई। देखो, मेनली तो ये ओग्जी कोप रिएक्शन भी शो करती है और एजो कोप रिएक्शन भी शो करती है। और ये होती क्या है, 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ। जो हमारी कोप रीअरेंजमेंट कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन वो हमारी क्या होती है, देखो हम कैसे करते हैं। तो हम देखो, हम सबसे पहले लेते हैं इसके साथ क्या अटैच है, CH3CN, और यहाँ पर क्या है, COOC2H5। ये हमारी क्या होती है, 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। क्या होती है, 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो हम इसका, इस रिएक्शन के साथ साथ ही हम क्या कर लेते हैं, इसका मैकेनिज्म भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन है। तो यहां से क्या होगा, जो हमारा ये बॉन्ड है, काउंटिंग दे लेते हैं पहले, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो जो हमारा 1, 1 बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। और 1, 1 बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारा ये यहाँ पर आएगा, और ये जो बॉन्ड है हमारा डबल बॉन्ड, वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, सिग्मा बॉन्ड की, और ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो, ये हमारी क्या आएगी, यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट। तो जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या होगी, ये बना लेगा यहां पर बेंजीन। और देखो, इसके साथ यहां पर ये क्या अटैच होगा, CN COOC2H5, एंड इस साइड यहां पर क्या होगा, CH3। ये ऐसे इसकी क्या होगी, रोटेशन। तो ये हमारे यहां पर क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये हमारी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, वो यहां से ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और हमें क्या प्रोडक्ट देगा, यहां पर क्या है, ये CH3, ये यहां पर बॉन्ड, और यहां पर CN, और यहां पर क्या है, COOC2H5। ये हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हमारी क्या है, कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो जैसे देखो, जो हमारी डाईहेड्रल रिएक्शन है वो क्या, जो हमारी कोप डाईहेड्रल रिएक्शन है, जैसे वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, पेरिसाइक्लिक के अंदर। वैसे ही सिमिलर जो हमारी कोप रीअरेंजमेंट है वो बिलोंग करती है लार्ज फैमिली ऑफ द रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। जो कोप रीअरेंजमेंट है, पास्ट थ्रू कंसंट्रेटेड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विद नो चार्ज इंटरमीडिएट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो हम ऐसे ही, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर मैंने राइट कर रखे हैं, जो हमारे एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमएससी में ही इतना ज्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम समझने के लिए, अब हम देखेंगे कि जो हमारी एजो कोप रीअरेंजमेंट है वो क्या होती है, और जो हमारी ओग्जी कोप रीअरेंजमेंट है वो क्या होती है, ठीक है। तो चलो, अब हम करते हैं एजो कोप रीअरेंजमेंट एंड ओग्जी कोप रीअरेंजमेंट। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ओग्जी कोप रीअरेंजमेंट। तो अब हम देखते हैं ओग्जी कोप रीअरेंजमेंट। ओग्जी कोप रीअरेंजमेंट कैसे होती है, देखो ये हमारी
तो ये भी हमारी थ्री थ्री सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होती है। जैसे एच ओ यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये क्या होती है हमारी थ्री थ्री सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, किसकी प्रेजेंस में होती है, हीट की प्रेजेंस में। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड की क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, और जो हमारा ये बॉन्ड कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, और जो ये बॉन्ड होगा ब्रेक, और ये बॉन्ड चला जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर हम काउंटिंग देंगे तो वन टू थ्री, वन टू थ्री ऐसे होगी। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, और जो हमारा ये बॉन्ड है ये कहाँ मूव करेगा, यहाँ पर। तो हमारे इंटरमीडिएट में क्या आ जाएगा, एच ओ, ये हमारा क्या होगा, इंटरमीडिएट। लेकिन जब हम इसका क्या करवा देंगे, टोटोमेरिज्म करवा देंगे, टोटोमेरिज्म, जब हम इसका क्या करवाएंगे, टोटोमेरिज्म, अगर हम इसका टोटोमेरिज्म करवाएंगे तो हमारी रिएक्शन क्या प्रोडक्ट देगी, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। तो अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं एजा क्रोप रीअरेंजमेंट। एजा क्रोप रीअरेंजमेंट क्या होती है, एजा क्रोप रीअरेंजमेंट में मान लो हमने एक एग्जांपल लिया एन एच डबल बॉन्ड आर आर, ये भी क्या होती है थ्री थ्री सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। तो देखो यहाँ से क्या होगा, हम नंबरिंग देंगे वन टू थ्री, वन टू थ्री, हमारा जो वन वन बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा वन वन बॉन्ड टूट जाएगा, और जो हमारा ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है हमारा, ये कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर, और डबल बॉन्ड कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर, और जो हमारा ये बॉन्ड है डबल बॉन्ड, वो कहाँ पर चला जाएगा, इसके ऊपर आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, एन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हमारे क्या अटैक, क्या अटैच है, दो ग्रुप आर आर, यहाँ पर पॉजिटिव, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, एजोकोप रीअरेंजमेंट। तो ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया, कोप क्लेजिंग रीअरेंजमेंट, सॉरी कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अंदर हमने ओग्जो कोप रीअरेंजमेंट भी पढ़ी, एजो कोप रीअरेंजमेंट भी पढ़ी, और हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखे। तो देखो यहाँ पर कोपिंग विद रिंग स्ट्रेन क्यों होता है, क्योंकि एट रूम टेम्परेचर कोप रीअरेंजमेंट दैट्स रिलेटेड रिंग स्ट्रेन, किसकी तरह रिलेट हो जाती है, रिंग स्ट्रेन की तरह। तो देखो यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन रिंग स्ट्रेन अबाउट कितने पे है, 37 के सेल्सियस पर मोल। लेकिन तो इसकी हम किस कितने टाइम डिग्री सेल्सियस पर हम रिएक्शन कराते हैं, 5 से 20 पर, तो ये हमें क्या देता है, डायरेक्ट ओनली प्रोडक्ट देता है। तो ऐसे ही ये इसके और भी बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये थी हमारी कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन। थैंक यू।